जी नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पे, और कुछ अभ्यर्थी हैं जो वो अपना समय कहाँ गंवाएँ, घर से लेकर सेंटर तक का सफ़र कैसा रहा, मैं उनसे बात करूँगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है अभ्यर्थी, और अभ्यर्थी का पेरेंट्स लोग भी हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं एक अभ्यर्थी जो है उनसे बात करेंगे कि कहाँ उनको लेट हुई है और एग्ज़ाम से बाहर रह गई है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आप बहन जी अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम ज्योति झा हुआ। कहाँ से हैं आप? जी बेतिया से। आप घर से कब चले हैं? जी सुबह में 4 बजे ही चले हुए हैं। तो 4 बजे चले हैं आप, तो लेट हो गया ना अंदर। ट्रेन लेट कर दिया है। अच्छा, ट्रेन लेट कर दिया है, यानी धुंध था ना? हाँ धुंध था, लेकिन ट्रेन वहाँ पे क्रॉसिंग वगैरह था तो उसमें लेट हो गया है। अच्छा अच्छा। और फिर हम वहाँ से फिर दूसरा ट्रेन मोतिहारी में दूसरा था, इंटरसिटी था, उसको चेंज किए कि ये पहले पहुँचा देगा। अच्छा। लेकिन ये भी लेट कर दिया है। अच्छा। हमें स्टेशन ही आने में लेट हो गया। आप स्टेशन कै बजे आए? 8:45। 8:45 उसके बाद सेंटर आते आते कितना समय लग गया? सेंटर हमको वहाँ से 9 बजे तक ऑटो मिला है, वहाँ से निकलते निकलते 5-10 मिनट लग जाता है। फिर अच्छा। वहाँ से ऑटो लिए हैं तो यहाँ पे 9:30 से ज़्यादा हो गया था, 4-5 मिनट। अच्छा। 35 हो गया था, 9:35। 35 हो गया। अंदर एंट्री किए? नहीं किए हैं, बोले हैं कि अगर आप 5 मिनट भी पहले आती तो हो जाता एंट्री। अच्छा अच्छा, यानी समय आपका समझिए बेकार गया आज का समय। लेकिन आप जो आने वाला अभ्यर्थी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि पहले ही आ जाएं, एक दिन पहले आ जाएं, और अपना एग्ज़ाम है तो ट्रेन का, ट्रेन रिस्की है। अच्छा अच्छा, यही कारण हुआ है कि आपका छूट गया है? जी जी। अच्छा अच्छा, कि रिस्क ना ले, अपना पहले से यहाँ पे आ जाएं, एक दिन पहले ही आ जाएं। तो आपने सुना, और यहाँ पे कुछ पेरेंट्स लोग हैं जो अभ्यर्थी का, मैं उनसे बात करता हूँ। सर आप कहाँ से हैं? सर हम लोग तो कुछ ऐसा स्थान से हैं, बड़ा दुख की बात है कि कॉलेज जो है ऐसा जगह दिया गया है, ना किसी का मार का कोई व्यवस्था, ना गाड़ी का कोई व्यवस्था। ये मतलब के नाम पर होया करा कि मुजफ्फरपुर का सुदूर इलाका है, जहाँ पर परीक्षा देने में इतना सा मतलब कठिनाई हो रहा है। हम 4 गाड़ी बदले, 5वां गाड़ी करके 1 किलोमीटर पैदल आए। अच्छा, ये कॉलेज सही नहीं है। अच्छा, और मतलब के सही एजुकेशन के लिए सही नहीं है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, जब यहाँ जब आ गए हैं अभ्यर्थी तो अंदर भी गया है, लेकिन समय के बिफोर बाहर चले आए कि समय हो गया था? देखिए, अगर समय हो गया है तो इसका रूल कुछ होता है। अच्छा। जो 9:30 के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, 9:15 पहले पहुँचिए। तो इसके लिए अगर अभ्यर्थी जो भी है तो एक दिन बिफोर आवे, क्योंकि आपके पास तैयारी है। उन अभ्यर्थियों के लिए आपका संदेश क्या है जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं? उनको यही संदेश है कि वो एक दिन बिफोर आवे, अगर अगल बगल में डेरा मिलता है किसी तरह रात काट ले, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है, आप अच्छा से एग्ज़ाम दें, ये आपका जीवन का सवाल है, इसलिए एक दिन बिफोर आवे। जी तो आपने सुना, और अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप देर ना करें। सब दिन आपने सुख किया है, लेकिन कुछ दुख की घड़ी भी काटी है, और बुरे जो वक्त आता है वो भी आने वाला दिन में आपका एक अच्छा वक्त लाएगा। तो ऐसा गलती ना करें, आप समय से पहले, एक दिन पहले भी सेंटर आप जा सकते हैं। और ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट खबर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।